आज जहां आप लोगों ने इस परिवर्तन यात्रा में एक अलग जोश भरने का काम किया, वही ये पत्रकार साथी खड़े हैं, मैं इनसे एक बात कहना चाहूंगा। विपरीत, अब आपको अपने कलम से यह लिखने में संकोच नहीं होना चाहिए कि सरसा जिला की पांचों सीट जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव जब होगा तो लोकसभा में हम जिसे अपना प्रत्याशी बनाएंगे लोग उसे बहुत बहुमत से जिताने का काम करेंगे। हमने पहले भी मोदी का रथ जो है सरसा में रोका था, अरे अब की बार 25 सितंबर को एक इतनी बड़ी रैली करेंगे जिससे पूरे देश के अंदर मोदी की ये जो डबल इंजन की बातें हैं इसके इंजन फैल भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करेंगे। आज तो क्योंकि लंबा चौड़ा कार्यक्रम, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि आपके और हमारे संबंध जो राजनीतिक नहीं है, आपके और हमारे संबंध तो पारिवारिक है। इस शहर से कोई आज का नाता नहीं है, सरसा हमारा अपना घर है, यहाँ का हर नागरिक जो है हमारा घर का मेंबर है। चाहे हम राजनीतिक तौर पे एक दूसरे के खिलाफ कहीं भी खड़े रहे लेकिन हमारे पारिवारिक रिश्तों में कभी कटाक्ष नहीं आया था, हमेशा भी इकट्ठे रहे, हमेशा साथ थे। आगे भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये सहचार हमेशा बना रहे और सरसा मजबूती के साथ आगे बढ़े, आने वाले समय में फिर सरसा के लोगों को ताकत मिले और फिर आपकी अपनी सरकार बढ़े। इस सरकार में आपकी सबसे बड़ी भागीदारी हो। एक बात खुल के कहता हूं, वो लोग इतना जाकर के किसी को समर्थन नहीं देंगे, पहली बात तो अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे। और जब कभी कमी रह भी गई छोटी मोटी तो ये मान के चलो मैं तो अपना खुट्टा न्यारा रोपूंगा, मैं नहीं जाऊंगा किसी के पास। कोई हमारे पास चल के आया और किसी ने आके कहा कि हम आपको समर्थन देते हैं, वो भी बिना शर्त जुगा, किसी की शर्त भी मंजूर नहीं करूंगा। क्योंकि अगर किसी की शर्त मान बैठा तो फिर मान के चलो जो मेरी मन में है मैं उसको पूरा नहीं कर सकूंगा। सरकार बनाओ, सरकार बनाएगी, बनाने के बाद मेरे जो मन में सरसा के प्रति है, जो मेरी सोच है कि मुझे सरसा को कहां ले जाना है, आप लोग तो उसके निचले हिस्से से शुरू करते होंगे, मैं उसको ऊपर वाले हिस्से में ले जाने का काम करूंगा।